हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों की स्टूडेंट्स की तीन समस्याओं पर बात करने वाला हूँ, जो समस्या हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई करते हैं, चाहे एकेडमिक एग्जाम्स की, इंटर स्कूल की पढ़ाई करते हैं, हर एक के साथ ये समस्या रहती है। और वो तीन समस्याएँ हैं जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती हैं। देखो क्या क्या है। सबसे पहली तो आपकी समस्या जो मैंने ज़्यादातर छात्रों के साथ देखी है, वो है कि सर नींद बहुत आती है, है ना, सबकी ये शिकायत रहती है। दूसरी आप लोगों की समस्या मुझे जो सुनाई देती है सबसे ज्यादा, कि सर याद नहीं होता, कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो याद नहीं होता, है ना, या ये भी कह सकते हो कि भूलना, भूल जाते हैं सर, ठीक है। और जो तीसरी समस्या है वो ध्यान भटकना है, ध्यान भटक जाता है सर, एकाग्रता नहीं रहती। तो इन तीनों समस्याओं को आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इनका रिजल्ट निकलता है। सबसे पहली जो आपकी समस्या है, नींद नहीं आना। भाई पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय नींद तो आएगी आएगी, ये सिंपल सी चीज़ है। हम मनुष्य हैं, जीव हैं, हर एक जीव को नींद आती है, तो मनुष्य को भी आती है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जब भी आपको पढ़ते समय नींद आए तो आप एक काम करो, आप सो जाओ। आप कहोगे सर ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, जब भी आपको नींद आए आप एक काम करो सो जाओ। अब आप कहोगे सर फिर पढ़ाई कैसे होगी, तो जैसे ही आपको नींद आती है ना, तो नींद आए तब तो सो जाओ, लेकिन जब नींद खुले, ओपन हो, उसके बाद मुंह धो के तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, बहुत अच्छे से मन लगेगा पढ़ने में। नींद आते समय जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग, बच्चे क्या करते हैं, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं नींद को हटाते हुए। नींद को हटाते हुए जब आप पढ़ते हो ना भाई, तो आपको याद नहीं होता कुछ भी, आप केवल पढ़ रहे होते हो, बुक से देख रहे होते हो, आंखें फाड़ के ऐसे पढ़ रहे होते हो, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता, दिमाग में कुछ नहीं सेव हो रहा होता। कभी आप करके देखना, जब भी आपको नींद आ रही है तेज और फिर भी आप पढ़े जा रहे हो, तो वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, बस आप पढ़ रहे हो उसे, लेकिन वो कहीं भी सेव नहीं होगा। इसका मतलब है वो आपको याद नहीं होगा। याद कैसे होगा, जब अगर आपको नींद आ रही है आप सो जाओ, और सोने के बाद उठ के फिर पढ़ो, चाहे एक घंटे की नींद हो चाहे दो घंटे की नींद हो, उसे कंप्लीट करने के बाद उठ के फिर पढ़ो, फिर देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो नींद ना आने का सबसे अच्छा सोल्यूशन तो यही है कि सो जाओ। हाँ, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि सर नहीं हमें सोना नहीं है, कुछ और सोल्यूशन बता दो, तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप किसी से फ़ोन पर बात कर लो, या आप नाच गाना कर लो, या आप टहल लो, ठीक है, या मुँह धो लो। ये सारी समस्याएं हैं जिनसे सॉल्व हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे सॉल्व हो सकती है आपकी नींद नहीं आना। लेकिन सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो मेरा यही है, मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूं कि आप सो जाओ, नींद आए तो सो जाओ, फिर जाग के फिर दोबारा से पढ़ो, अच्छे से सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक समस्या आपकी सॉल्व हो गई। सेकेंड, याद नहीं होता सर, भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो देखो, भूलना तो एक तरीके से ये स्वाभाविक है, अगर आप मानव हो तो आप भूलोगे ही भूलोगे, अगर आप मनुष्य हो तो आप भूलोगे ही भूलोगे, और अगर आप भूल रहे हो तो आप खुशी मनाओ कि आप मनुष्य ही हो, मानव ही हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होती, क्योंकि दिमाग की एक स्पेशल पावर होती है, भगवान ने हमें एक निश्चित पावर दी हुई है किसी भी चीज़ को याद करने की, एक निश्चित टाइम होता है ना। तीन टाइप की मेमोरी होती है हमारी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, और एक परमानेंट मेमोरी। कुछ चीज़ें हमें थोड़े टाइम के लिए याद रहती हैं, जैसे क्लास थोड़ी देर देखते हैं सर, थोड़ी देर ही याद रहती है, जैसे, और कुछ चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है, जैसे पहली बार आपकी शादी हुई थी याद हो जाती है, ठीक है, या किसी की शादी में, फ्रेंड की शादी में गए थे, वहाँ क्या क्या मस्ती करी थी, थोड़े ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं, यानी कि हमेशा याद रहती हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका घर कहाँ पर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई जो है वो याद नहीं होती, इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप कोई काम बार बार करते हो, जब भी आप कोई काम बार बार करते हो तब आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने घर पर बार बार जाते हो तो कभी कभी आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हो और आप अपने घर पहुँच जाते हो, आप कहीं से आ रहे हो और फ़ोन पर बात करते हुए आ रहे हो और आपने देखा कि आप घर पहुँच गए, जबकि आपको ध्यान नहीं था कि आपको घर पर ही जाना था। और आपने ये भी देखा होगा कि हम जब अपना घर चेंज कर देते हैं तो भी हम उसी घर में चले जाते हैं, ध्यान कहीं और होता है, तो क्योंकि दिमाग को पता है कि कहाँ ले जाना है, दिमाग में पहले से ही सेव है। क्यों? क्योंकि दिमाग वहाँ पर हजारों बार आपको ले गया है, उस रास्ते से बार बार गुजरे हो, तो जब भी आप रास्ते से बार बार गुजरते हो ना तो वो चीज़ें अपने आप ही दिमाग को याद रह जाती हैं। सेम यही काम आपको यहाँ करना है, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको आप क्या करो, बार बार पढ़ो।
जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको याद हो जाए। कोई भी चीज़ है मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे याद करनी है। जीके के लिए स्पेशल मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहली बात कि आप बार बार पढ़ो भाई। बार बार पढ़ने का मतलब है एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, सौ बार पढ़ो। आप कहोगे सर ऐसे कब तक पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल पढ़ते रहो जब तक याद अपने आप ही याद हो जाएंगी चीज़ें। फिर जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो क्वेश्चन वो वाली लाइन आपके सामने आएगी, क्वेश्चन में आंसर अपने आप याद आ जाएगा, अच्छा ये था इसका आंसर, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बार 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 बस चीज़ों को पढ़ना है, बार बार बस याद करना है, आराम से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि अपना नाम अपने डेट ऑफ बर्थ बार बार यूज़ करते हो तो आप कभी नहीं भूलते, सेम वैसे ही है, ठीक है। तो ये आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए बार बार। तीसरी समस्या है आपका ध्यान भटकना। ध्यान भटकने का देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, ध्यान है पहली बात तो आप सेल्फ मोटिवेट कीजिए। सेल्फ को मोटिवेट करने का मतलब है आप सोचिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका क्या मोटो है, आपको क्या पाना है जीवन में, क्या चाहते हो आप। अगर आप चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए तो उसको सोचो, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के आप क्या के बाद आप क्या क्या करना चाहोगे, क्या क्या चीज़ें आप खरीदना चाहोगे, अपनी फैमिली को किस तरीके से आप मतलब क्या क्या गिफ्ट देना चाहोगे, वो चीज़ें आप सोचोगे तो आपको अपने आप ही अंदर से एक एनर्जी आएगी कि यार मुझे तो ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनने के बाद क्या आपको रुतबा मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब के बाद क्या आपको कितना पैसा मिलेगा, क्या ऐसा आराम होंगे, वो सारी चीज़ें जब आप सोचोगे तो आपका अपने आप ही ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। ध्यान भटकने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब आपको नींद आ रही है तो सो जाओ, और नींद नहीं आ रही है तब पढ़ो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मोबाइल फ़ोन और ये जो फेसबुक वगैरह है इनसे थोड़ा सा दूर रहो। फेसबुक वगैरह क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए खोल के देखते हैं और फिर पता चलता है कि घंटों तक फेसबुक ही चला रहे हैं और सो गए, ठीक है। तो ध्यान जब भी भटके, ध्यान भटके तो कुल मिला के अपना ध्यान सेल्फ को मोटिवेट करके, मोटिवेट करने का मतलब मुझे तो गवर्नमेंट जॉब पानी ही पानी है, मुझे तो किसी दोस्त से बात ही नहीं करनी, बात करनी है केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें करनी है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को जब आप अपनाओगे तब आप सॉल्व इन तीनों समस्याओं को सॉल्व कर लोगे और आप अच्छे एक विद्यार्थी बन के निखरोगे। तो और आपका गवर्नमेंट जॉब ये समझ लो कि आप बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि चीज़ों को कैसे याद करना है, संविधान के अनुच्छेद कैसे याद करें और जीके को कैसे याद करें, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।